नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों अगले चार दिनों के अंदर आपके जीवन काल में खुशियों का भूकंप आने वाले हैं। अजय दोस्तों, आपको बता दें कि बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आप सभी के जीवन काल में जो अगले चार दिनों की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ये दोस्तों ये आपके होश उड़ा देने वाले साबित होंगे। ये दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन काल में जो भी बदलाव होते हैं उनका मुख्य कारण ग्रहों की चाल होती है। जब व्यक्ति के जीवन काल में ग्रह शुभ होते हैं तो दोस्तों उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जिन कार्यों को वह करना चाहते हैं वह कार्य उन्हें मिलता है। यूं कहें तो अच्छे शुभ स्थिति में उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है जी दोस्तों। और जब ग्रह विपरीत दिशा में होती है तो दोस्तों वर्ष में उन्हें संकट समस्याओं का सामना करना होता है। कुछ जो है दर्द भरी समस्याएं उन्हें आती है, कुछ कठिन कार्य उन्हें करने को पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यश में भी अगर कोई व्यक्ति सतर्क और संभल कर कार्य करता है तो दोस्तों अशुभ परिस्थिति में भी उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं जी दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों अगले चार दिनों का जो आपका समय होगा बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाले हैं और यश में आपके जीवन काल में खुशियों का भूकंप आने वाले हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों यश समय जो है ग्रहों की स्थिति आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलताओं के साथ कुछ ऐसी कामयाबी मिलने वाली है जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और समाज में भी आपका इससे मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको वह कौन सी खुशखबरियाँ मिलेंगी, कौन सी बड़ी कामयाबी मिलेंगी जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार, कौन से चमत्कार होने वाले हैं तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो समय होंगे अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने मेहनत के व फिर प्रयास के सार्थक परिणाम भी हाजिर होने वाले हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी यश में आपकी विशेष पहचान बनेगी, किसी मूल्यवान उपहार की प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। तो दोस्तों यश समय समय का सदुपयोग करें और सभी समयों का जो है उचित लाभ उठाएं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों आपका कोई नजदीकी मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है तो दोस्तों इस मित्रों का आपको इसमें छानबीन करना चाहिए। भाइयों के साथ यश में संबंध मधुर बनाकर रखें, धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा भी तड़प सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें अभी तक की हुई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों पर टिके रहना आपके लिए इसमें संभव होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आपका प्रयत्न है आपके द्वारा जारी रहेंगे, फिर भी दूसरों द्वारा सहयोग प्राप्त न होने की वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन दोस्तों यश में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर संयम होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में चल रही किसी पारिवारिक चिंता का समाधान भी यश में मिलेगा तथा आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों के प्रति भी ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों घर में मेहमानों की आवाज आ रहेगी, युवा वर्गों को विभागीय परीक्षा व फिर नौकरी आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मर्यादा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जरा सी लापरवाही आपसे आपकी मान सम्मान में कमी ला सकती है तो इन पर ध्यान दें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने सीमित विचारों के दायरे को बढ़ाना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने की वजह से जीवन में किस समस्या पर पहले काम करना है यह बात भी आपको पता चलेगी। भले ही अभी परिवार से नाराजगी बन रही हो लेकिन दोस्तों मित्र परिवार द्वारा आपको पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन की संबंधी कोई कार्य भी संपन्न हो सकते हैं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी।
दोस्तों यीशु में मेहनत और लगन के कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता आपका इंतजार कर रही है और यह सफलता आपको इसमें मिलने वाली है। आपको बता दें कि विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति आकर्षित होना उन्हें सफल करेगा। इसके साथ ही दोस्तों यीशु में अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यीशु में उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले यश में पूरी तरह योजना का जो है रूपरेखा बना लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। आपकी सेवा का भावना जो है उन्हें प्रसन्न रखेगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। यश में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतियां भी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय हर निर्णय को दोबारा परख कर आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें यश में आलस से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी की खरीद प्रोग संबंधी कार्यों के लिए जो दिन होंगे उत्तम दिन भी होगा। घर तथा व्यवसाय में इसमें संतुलन बना रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ अमोद प्रमोद व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय भी आपका व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है, जिसकी वजह से कुछ चिंता भी होना स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यश में मित्रों के साथ मेलजोल में आपका समय भी व्यर्थ होगा, इसलिए दोस्तों यश में इनसे दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनेंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसे से संबंधित सभी काम आपके वक्त से पहले पूरे भी होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आपको यश में आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु उधार संबंधी कार्यों में इनसे दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप यश में उधार लेने की कोशिश भी करेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार ही लें, क्योंकि दोस्तों यश में आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। किसी नए कार्य की शुरू करने की जो योजना है वो इन्हें स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है परिस्थितियाँ उतना अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का ऑफिस से नकारात्मक माहौल में धैर्य और संयम बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव भी दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में भी यश में सुधार आएगा। दोस्तों धन संबंधी किसी भी तरह के लेन देन के लिए जो समय होंगे बहुत ही अच्छा समय होगा। यश में काम बिना रुकावट के भी पूरे होते जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक मेहनत व फिर परिश्रम की आवश्यकता होगी। अगर कोर्ट के संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो दोस्तों यश में किसी की मदद से यह विवाद हल हो सकता है। कार्य संबंधी छोटी मोटी जो है बारीकियों पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना कोई टारगेट पूरा होने से बोनस मिलने की भी संभावना बन रही है। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों का जो प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ा है दोस्तों उनमें कुछ सुधार आने की भी संभावना बन रही है। जरूरत के अनुसार आय के साधन भी बने रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण व फिर सुकून भरा साबित होगा। और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके जीवन साथी की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी तथा घर परिवार का पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें भी यश में ताजी होने वाली हैं। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा। किसी बच्चे के आगमन संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है, इससे दोस्तों घर में उत्साह भरा माहौल भी रह सकता है। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का इसमें आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे समय होंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के बावजूद भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ काफ़ी समय व्यतीत कर पाएंगे, इससे दोस्तों संबंधों में नई दिक्कतें तो आएंगी, रिश्तेदारों के साथ भी मेलजोल आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें साबित होगा और आपके रिश्ते भी इसमें मजबूत होंगे। और इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में कभी कभी तनाव डिप्रेशन महसूस हो सकता है। मेडिटेशन करें और किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी समय को व्यतीत करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा।
दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों कुछ समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको राहत भी मिलेगी। दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर आपको इसमें अधिक भरोसा करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पेट दर्द व फिर पाचन तंत्र संबंधित कोई तकलीफ रहेगी। व्यायाम और अपनी दवाइयों का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों यश में आपको बता दें अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु यश में ऊर्जा व फिर स्फूर्ति बनी रहेगी, परंतु लापरवाही प्रयत्न आपके यश में बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। दोस्तों आज के दिन आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर को शाम सुबह दीपक जलाकर उनकी उपासना करें। दोस्तों कहते हैं कि देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से समस्त जगत में धन धान्य है, इसलिए लक्ष्मी माता की प्रतिमा अपने घर पर आप जरूर रखें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जिस फोटो या फिर प्रतिमा में देवी माँ लक्ष्मी खड़ी हुई हो उन्हें भूलकर भी आप नीचे ना लाएं। तो दोस्तों जिन लोगों को अपने घर में पेशा लाने की चाह होती है उन्हें अपने घर की जो है ईशान कोण में मनी प्लांट या फिर कॉइन प्लांट लगाने चाहिए।